The override function will allow you to increase the vehicle speed by pressing the accelerator pedal without deactivating cruise control. तो आज हम रिव्यू करेंगे रितिक की XUV 500। तो ये है 2013 मॉडल और इसको लगभग 9 साल हो गए अभी लिए हुए। तो अभी जस्ट 50-55 हज़ार चली है। तो रितिक से रिव्यू लेंगे कि चलने में कैसी है और क्या आज की डेट में लेना इसको वर्थ है कि नहीं यूज्ड कार मार्केट में। यूज्ड कार मार्केट में लगभग आपको ये 4 से 5 लाख की रेंज में मतलब ठीक ठाक कंडीशन में मिल जाएगी। तो अभी रितिक से डिटेल लेते हैं गाड़ी की, कौन सा मॉडल है। मॉडल मैंने बता दिया आपको वैसे 2013, बट गाड़ी चलने में कैसी है और क्या गाड़ी की डिटेल है, स्पेसिफिकेशन क्या है, वो सब अभी रितिक से पूछते हैं। तो रितिक क्या हाल है? बढ़िया भाई। तो रितिक बता गाड़ी के बारे में। भाई 2013 मॉडल है ये गाड़ी का। मिड पॉइंट है, जून के टाइम ली थी ये गाड़ी। उस टाइम वेटिंग बड़ी थी गाड़ी में, वेटिंग थी टाइम। तुझे कितना वेट करना पड़ा? तो जैसे रितिक ये 2013 मॉडल है, 9 साल हो गए गाड़ी को, तो अब तक क्या क्या प्रॉब्लम आई गाड़ी में? या भाई फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबसे पहले हमें इसमें एक ही प्रॉब्लम आई थी, इसकी बैक सेंसर में प्रॉब्लम आई थी इसके बैक करने जो। हाँ, ये स्टॉप का जो प्रॉब्लम दे रही थी बार बार, तो जब एजेंसी में लेके गए हम, उसमें ये बताया कि उन्होंने कि कचरा वगैरह फंस रहा है सेंसर में। अच्छा, तो वॉश कराओगे तो ठीक हो जाएगा, तो वैसे ही कराया तो ठीक हो गया। उसके बाद गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम आई नहीं, बस थोड़ी सी ये। अच्छा, जैसे कि उस टाइम पे टॉप मॉडल था W8, तो इसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता यहाँ पे? W10 में आया था। उसके बाद 3 साल के बाद आया था, उसमें सनरूफ ही दे दी थी और इसमें वो वाला सेंसर दे दिया। 2015 में आया था, 15 में मॉडल आया था वो। अच्छा, और उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आई ये चीजों में, एंड उसके कलर्स निकल गए। हाँ, ये कलर निकल जाता है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कम है, ये कम है, उस साइड ज्यादा ना। हाँ, ये प्रॉब्लम आई थी रस्टिंग वैसे ही उतनी मतलब उस तरह की है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आई थी और ये पेंटिंग की दिक्कत, बाकी इंटीरियर तो बड़ा शानदार है, बाकी ये दिक्कत आई थी। अच्छा, खुद ही निकल रहा था पेंट। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये खुद ही निकल रहा था। हाँ, रस्टिंग होगी ना, जैसे ये रैक्सिन, ये प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं इसको, रैक्सिन रैक्सिन में ब्लैक होगी ना। कंपनी वालों से ठीक करवाओगे तो कंपनी वाले क्या कहते हैं? कंपनी वाले बोलते हैं रैपिंग करनी पड़ेगी इसकी फिर से। अच्छा, इसको रैपिंग करना फिर से, या आप स्टिकर लगवा लो। हाँ, इतना भी क्या देखना है इसका, पर कहीं ना कहीं लुक थोड़ी इससे वो खराब होती है, बाकी इंटीरियर बड़ा शानदार है गाड़ी का, मतलब मस्त है। तो अभी बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो रितिक बता कुछ। एम हॉक इंजन है इसमें, 2.2 2200cc इंजन, 2200cc इंजन। अच्छा, ये वही इंजन है, मैं आपको बता दूं, जो उस टाइम पे स्कॉर्पियो में भी आता था टर्बो चार्ज, और आज के टाइम पे थार में भी आपको ये देखने को मिलेगा, XUV में भी यही है 700 में, और वो है ना इसकी कौन सी है, महिंद्रा की
जो कम हुई है अल्टूरस ना, अल्टूरस हाँ, अल्टूरस में भी 2.2 लीटर का इंजन है, बट उसको ट्यून इस हिसाब से कर दिया कि वो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सके। तो ऋतिक बता इंजन के बारे में कुछ और। भाई जैसे लॉन्ग रूट के लिए तो बेस्ट इंजन है ये, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है गाड़ी, कंफर्टेबल, नॉइज नहीं करता ना इतना, नॉइज नहीं करेगा ये इतनी ज्यादा। मतलब जैसे मैं चंडीगढ़ गया था तो 18 की एवरेज निकाल दी थी इस गाड़ी ने, 18 की इतनी बड़ी गाड़ी ने, ठीक है। और जब हिमाचल में जाना तो मैक्सिमम 13 या 14 की एवरेज निकाल देती है, ठीक है। इतना हाईवे में एसी भी चलता है, एसी भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, तो 17-18 की निकाल देती है हाईवे रोड पे। तो जैसे रहती है रस्टिंग क्या बोल सकते हैं इसको, क्या ये अभी इस चीज की मैं भी नहीं बोल सकता हूँ क्या प्रॉब्लम आई, अब देखते हैं इसको, पूछते हैं। वीडियो आती है ना जिसमें कोलगेट लगा के साफ करते हैं, तो देखते हैं वो ट्राई करके देखते हैं, ठीक है नहीं होता वरना चेंज ही कराने का। बाकी बम्पर वगैरह कभी तूने पेंट कराए? नहीं कुछ भी चेंज आज तक, कभी कोई क्लेम लिया गाड़ी में? नहीं, बस शीशे का क्लेम लिया था मैंने, ब्रेक हुआ था गैस के कारण, जब गर्मियों में ज्यादा शीशे बंद, हाँ एक जगह बंद रहे तो गैस बन गई थी, उसके क्रैक आ गया था थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, इंश्योरेंस में वो डाला था मैंने। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये इंजन ये चेंज है, ये मतलब शीशा चेंज है ना, सिर्फ शीशा चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं कराया। अच्छा अच्छा, एक ही प्रॉब्लम आ रही है इसके सेंसर की, एयरबैग सेंसर की, एयरबैग सेंसर, एयरबैग सेंसर, उसमें क्या, उसमें निशान आ रहा है कि आपका एयरबैग सेंसर नहीं चल रहा है, मतलब कि जब गाड़ी हीट होगी एयरबैग, एयरबैग नहीं खुलेगा, कोई नहीं खुलेगा, कोई नहीं खुलेगा, तो वो सेंसर तो डलवाया नहीं अभी तक, डलवाया नहीं वो, अब डलवाऊंगा मैं। क्या उसमें क्या कॉस्टिंग है, वारंटी में, वारंटी तो खत्म, वारंटी तो खत्म हो चुकी है, कंपनी वालों ने मेरे को 3,500 का बताया था, ये वो छोटा सा सेंसर, छोटा सा सेंसर, तो वो डलवा लेने यार, वो जरूरी है। तो रीति ये सेट टायर है, तो टायर ये वाला मेरे को चेंज लग रहा है, तो चेंज कराया था, कितनी बार चेंज हो चुका है ये? पहला सेट है, पहला सेट है और वो 7 वाला सेट है। अच्छा, ये तब से चेंज नहीं हुआ? तब से चेंज नहीं, ये 2013 का, तब से साथ में होगा ना, तो इसमें डेट भी होगी ना? हाँ डेट भी होगी, 17 इंच और इसकी डेट है, हाँ ये भी, ये है 12 हफ्ता 2013। ये कितने का एक टायर पड़ा? ये हमें 12,000 का टायर पड़ा था, 12,000 का एक टायर, ये 1.5 साल पहले का टायर, और वारंटी भी कुछ दी होगी? हाँ साल की, 1 साल की वारंटी थी। अच्छा अच्छा, ये गुडियर का टायर हुआ। तो अब बात करते हैं XUV 2013 के इंटीरियर की, तो ऋतिक इंटीरियर के बारे में थोड़ा बहुत हमें एक्सप्लेन कर। टच स्क्रीन 2013 में ये फर्स्ट वर्स, सबसे पहले इन्होंने ये चीज दी, ये बड़ा तगड़ा फीचर था, ठीक है। दूसरी चीज ये स्टार्ट एंड स्टॉप वाला बटन सबसे पहले आया था इस गाड़ी में, ये किसी ने, स्टार्ट एंड स्टॉप वाला बटन, इसमें क्या होगा, मतलब कि जैसे ट्रैफिक में करते हैं गाड़ी खुद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, क्लच दबाएंगे तो खुद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, 2013 में नहीं, 11 में लॉन्च हुई, 11 में लॉन्च हुई थी, मतलब कि उस टाइम जब हमने ली ये चीज आ गई थी। और कुछ, और ये ऑप्शन है हिल एंड कंट्रोल ऑप्शन, हिल होल्ड कंट्रोल, इसमें ये न्यूट्रल गाड़ी कर दो, इसको दबा दो, खुद ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगेगी, गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक लेगी ना। और ये ESP का मोड है, मतलब कि गाड़ी स्किट कहीं नहीं करेगी, जैसे आप स्पीड में चल रहे हो कट मारते हो कहीं स्किट नहीं करेगी। अच्छा, इस चीज का मोड है। और ये साथ में ये LEDs, LEDs जो आगे नहीं, ये अंदर के LEDs, ये मॉस्किटो लाइट्स। अच्छा अच्छा, ये बहुत प्यारी लगती हैं, ठीक है, मॉस्किटो लाइट्स। अच्छा 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 अच्छा, ये तो एसी तो फिलहाल बंद कर देते हैं। अच्छा, मुझे इसके बारे में बता थोड़ा, ये जो हाँ क्या क्या फीचर है इसमें? इसमें भाई आपको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा सारा, टाइट्रोनिक्स, इन्फॉर्मेशन। उस टाइम पे ये पड़ा था कि यार कि आप गाड़ी में बैठ के देख सकते हो कि आपके टायर का क्या प्रेशर है, ये प्रेशर का, ये दिखा क्या क्या है, सब सही लग रहे हैं, सब ओके है। रिवर्स कैमरा अलर्ट आ जाता था, कुछ भी प्रॉब्लम आती तो अलर्ट इसमें दे देता था। और कुछ सर्वे इन्फॉर्मेशन आ जाती थी, सर्विस ड्यू है कि नहीं। और इसमें एक फीचर आता था, इस सारे मोड्स का सभी का ये इन्होंने ही बताया, और क्रूज मोड, ये देखो वीडियो भी दिखा दिया। ओवरराइड फंक्शंस, the override function will allow you to increase the vehicle speed by pressing the accelerator pedal without deactivating cruise control. When in cruise mode, you can press the accelerator pedal for about 30 seconds to increase the vehicle speed.